ठीक है, देखिए जो क्रोनिक पेन मैनेजमेंट क्या है ये हम देखते हैं। देखिए जो क्रोनिक पेन है वो देट कैन बी बिकॉज ऑफ एम फॉर मलिग्नेंसी, देट कैन बी ड्यू टू सम बिनाइन प्रोसेस, ठीक है, या फिर बिनाइन डिजीज। अब जो कैंसर, जो मलिग्नेंसी का जो पेन है इसमें देखें, इनिशियली जो मलिग्नेंसी होती है वो इनिशियली पेनलेस होती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो और ग्रो करती है तो वो ऑर्गन के किसी भी, फॉर एग्जांपल लीवर का कैप्सूल है, कैप्सूल को आपको पता है ना, कैप्सूल में कैप्सूल पेन सेंसिटिव होती है, इंटरनल कैप्सूल जो होती है किसी भी ऑर्गन की कैप्सूल वो सेंसिटिव टू स्ट्रेच होती है, ठीक है। तो ऑर्गन जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो करता है तो वो कैप्सूल को भी स्ट्रेच करता है, और जब कैप्सूल को स्ट्रेच करता है तो पेशेंट पेन फील करता है और ये पेन सीवियर होता है, ठीक है ना। तो जब ओवर ग्रो करेगा ऑर्गन कैप्सूल के स्ट्रेच की वजह से, या फिर आसपास कोई नर्व प्लेक्सस है तो नर्व प्लेक्सस को वो इन्फिल्ट्रेट करता है वो ट्यूमर, तो पेशेंट को पेन हो जाता है और इनिशियली पेन नहीं होता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑन जब ग्रो करता है तो पेन होता है, ठीक है। अब देखें जो इंट्रैक्टेबल पेन है ना, जो पेशेंट का इंट्रैक्टेबल जो पेन है उसकी, उसका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, उसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि हम इसमें पेशेंट को इनकरेज करते हैं उसकी इंडिपेंडेंस को, ठीक है, और उसको हम जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक एक्टिव लाइफ गुजार सके, डिस्पाइट सिम्टम्स वो एक एक्टिव लाइफ गुजार सके। इसलिए मलिग्नेंसी में जो क्रॉनिक पेन है उसको मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है। जो मोस्ट जो सूटेबल इस केस में मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन इन केस ऑफ मलिग्नेंसी में आपका WHO एनल्जीजिया लेडर ही है, ठीक है, WHO एनल्जीजिया लेडर, ठीक है। और याद रखें कि इसमें मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है ना वो नारकोटिक्स है, मलिग्नेंसी के पेन में मेन स्टे नारकोटिक्स। और याद रखें देर इज़ नो जस्टिफिकेशन टू अवॉइड ओपियड्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एडिक्शन एंड दिस एंड देट। आप इस तरह के पेशेंट को एडिक्शन का ख्याल रखे बगैर आप ओपियोइड्स देते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स क्या कर सकते हैं, मैं वोमिटिंग कराएंगे, कॉन्स्टिपेशन कराएंगे वोमिटिंग के लिए, कि आप मेट्रोनिडाजोल देंगे, सॉरी मेट्रोक्लोप्रामाइड देंगे, और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप लेक्सेटिव देंगे। देखिए ओपियोइड रेजिस्टेंट पेन, ओपियोइड रेजिस्टेंट पेन जो है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्शली सेंसिटिव होते हैं या फिर इनसेंसिटिव होते हैं ओपियोइड्स के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो केसेस में अल्टरनेटिव ड्रग्स या फिर अदर टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को जो कि ओपियोइड्स इनसेंसिटिव हैं या पार्शली सेंसिटिव हैं, इनको हम ALT अल्टरनेट ड्रग्स देते हैं, और सम अदर टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कर लो बोन पेन कर लो, ठीक है, बोन पेन जो है बिकॉज ऑफ मेटास्टेसिस टू द बोन हो, तो इसकी बेस्ट मैनेजमेंट जो है रेडियोथेरेपी है, ठीक है, बेस्ट दीज आर मैनेज्ड बाई रेडियोथेरेपी। अच्छा, फिर पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स हों पेशेंट को बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द बोन, तो हम उसकी फिक्सेशन करते हैं, लेकिन प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन भी करते हैं। याद रखें मलिग्नेंसी में, देखें अगर मलिग्नेंसी ट्यूमर ने 75% से भी ज़्यादा, ग्रेटर देन 75% बोन को इरोड किया हुआ है, तो हम यानी कि ग्रेटर देन 75% बोन इरोजन हुई है तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन से ये होता है कि स्पॉन्टेनियस जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स होते हैं उससे बचता है पेशेंट एडवांस में ही। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट की फीमर है, ठीक है, पेशेंट की फीमर है, ट्यूमर यहाँ पे है इसने, या फिर मेटास्टेसिस आया हुआ है, इसने पूरी की पूरी 75% ऑफ द बोन को खा गया है, तो हम इसको पैथोलॉजिक फिक्सेशन करते हैं, इसको तोड़ के जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बोन पेन में हम 20 फॉस्फोनेट्स, जोलिंड्रोनेट एंड दिस एंड दैट, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जनरलाइज बोन पेन हो ड्यू टू मलिग्नेंसी, तो हम 20 फॉस्फोनेट्स यूज़ कर सकते हैं। जनरलाइज बोन पेन ड्यू टू मलिग्नेंसी हो
तो हम बिस्फोस्फोनेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितने हुए, रेडियोथेरेपी हो गई, फिक्सेशन हो गई, प्रोफाइलेक्टिक फिक्सेशन हो गई और बिस्फोस्फोनेट्स हो गई, ये टेक्निक्स हैं बोन पेन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, अब लीवर कैप्सूल की बात करते हैं। लीवर कैप्सूल देखिए, मलिग्नेंसी अगर लीवर कैप्सूल को स्ट्रेच करे, फॉर एग्जांपल ये आपका लीवर है, ट्यूमर यहाँ है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहा है ये, ठीक है, तो पेशेंट को पेन होगा। इस केस में जो लीवर कैप्सूल होती है ये ओपियोइड सेंसिटिव, ये पेन जो होता है ना ओपियोइड सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। और इस केस में स्टीरॉयड्स भी हेल्पफुल होते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लीवर जो मैंने ये बताया इसमें स्टीरॉयड्स भी हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं स्टीरॉयड्स? स्टीरॉयड्स लीवर की स्वेलिंग कम करने की में मदद के करते हैं, ये जो स्वेलिंग है इसको कम करते हैं। जब स्वेलिंग कम होगी तो स्ट्रेच भी कम होगी, ठीक है, तो स्ट्रेच ऑफ द कैप्सूल भी कम होगी। जब स्ट्रेच कम होगी ना तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अब कोलिक की बात करें, कोलिक्स में हम लेक्सेटिव्स देते हैं। कोलिक बिकॉज ऑफ ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये गट है, ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और यहाँ पे स्टूल्स आ रहे हैं और ये कोलिक हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो इसमें हम एंटी स्पाजमोटिक्स देते हैं, ठीक है। लेक्सेटिव्स हो गए और एंटी स्पाजमोटिक्स हो गए। मेनिंजियल पेन या फिर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले पेन की वजह से या मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से हम इसमें भी स्टीरॉयड्स ड्रामेटिक इफेक्ट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ड्रामेटिक रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो नर्व पेन है, अगर मलिग्नेंसी जो है, एम फॉर मलिग्नेंसी याद रखें, इसको मैं कभी कभी टी भी लिखता हूँ, ट्यूमर, ठीक है, तो क्या करें, इन्फिल्ट्रेट करें नर्व को या प्लेक्सस को, तो ये पेन जो होता है ये ओपियोइड रेजिस्टेंट होता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये देखें, ये वाला पेन, लीवर कैप्सूल वाला पेन ओपियोइड सेंसिटिव होता है, ठीक है। और जो नर्व पेन जो होता है वो ओपियोइड रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो स्टीरॉयड्स यूज़फुल होते हैं इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। देखिए, नर्व की इन्फिल्ट्रेशन हो या डिस्ट्रक्शन हो या इरिटेशन हो, इसकी वजह से जो पेन होती है, ठीक है, नर्व की इरिटेशन, डिस्ट्रक्शन, इन्फिल्ट्रेशन, इनकी वजह से जो पेन होती है, इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये दीज ड्रग्स दे अल्टर द ट्रांसमिशन, आपको पता है ना, जहाँ पे ट्यूमर होगा वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व प्लेक्सस, यहाँ से यहाँ तक जो एक्शन पोटेंशियल होगी ना, इसको रोकने में मदद करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स, ठीक है। इसी तरह जो न्यूरोलिटिक टेक्निक्स हैं, न्यूरोलिटिक टेक्निक्स, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। न्यूरोलिटिक टेक्निक्स की बात की जाए तो सबसे पहले देखें, अगर रिब में मेटास्टेसिस है तो हम सब कोस्टल फिनोल इंजेक्शन देते हैं। अगर पेंक्रियाटिक गेस्ट क्या है, हेपेटिक कार्सिनोमा है, तो हम सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक करते हैं विद अल्कोहल, ठीक है, सिर्फ सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक विद अल्कोहल करते हैं, इनको न्यूरोलिटिक टेक्निक्स बोलते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन जैसे टेमोक्सिफेन हम देते हैं, अच्छा, पेलिएटिव रेडियोथेरेपी करते हैं, इसी स्टेरॉइड्स टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर वही बात है, ठीक है। तो इस तरह की जो है न्यू टेक्निक्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें बिनाइन, मैंने आपको क्या कहा था, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में ड्यू टू मलिग्नेंसी और ड्यू टू बिनाइन डिजीज ना, तो जो बिनाइन डिजीज़ है इसमें जो क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट की जाती है, ये इसमें डिफरेंस इस तरह है कि बिनाइन में हम एडिक्शन का ख्याल रखते हैं, मलिग्नेंसी में हम, मैंने इधर भी कहा था कि नो जस्टिफिकेशन टू अवॉइड ओपियाइड्स विद द फियर ऑफ एडिक्शन। ओपियोइड्स जो है मलिग्नेंसी में मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, ये नारकोटिक्स जो है ये मेन स्टे हैं, जबकि जो बिनाइन में हम अवॉइड करते हैं नारकोटिक्स को, ठीक है ना, तो वी अवॉइड इन बिनाइन, ठीक है। हम इसके बदले में क्या देते हैं, हम इसके बदले में फिजियोथेरेपी, अच्छा, लोकल एनेस्थेटिक या फिर स्टेरॉयड का इंजेक्शन, ठीक है, या फिर नर्व स्टिमुलेशन प्रोसीजर्स लाइक टेंस, मैंने कहा था ना ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन होती है ये, इसी तरह एक्यूपंक्चर, नर्व डीकम्प्रेशन, देखें नर्व स्टिमुलेशन अलग है, नर्व डीकम्प्रेशन अलग है, नर्व डीकम्प्रेशन में लेमिनेक्टमी आती है, कॉर्डेक्टमी आती है, न्यूरोसर्जरी वाले करेंगे ये, ठीक है। इसी तरह जो
एनसेड्स हैं हमारे, तो ये मेन स्टे हैं फॉर द क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट ड्यू टू बेनाइन डिजीज़, ठीक है, इसको आप देख लें।